फाउंटेन चलती थी जैसे दिल्ली में होता है या वहाँ पे होता है, सारा वो जो मशीन खराब हो गया और यहाँ कॉर्पोरेट सोचता है मैं नया खरीदूंगा बिकॉज कमीशन मिलेगा उसको। वी वांट प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर एनी प्रॉब्लम दैट वी हैव, दैट्स व्हाई वी आर इलेक्टिंग देम। मून पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जयमल से थोड़ा नीचे चले जाओ आरटी नगर की तरफ, मालूम पड़ जाएगा आपको क्या है सरफेस। अगर आप शिवाजी नगर मेन सिटी में जाकर देखेंगे तो हालात वैसे ही है जैसे कि जब इंदिरा गांधी के हालात थे। आप कितना साल मौका देंगे किसी को काम करने का? 5 साल या मैक्सिमम 10 साल। चलना तो 15 साल तो एक ही आदमी बैठा हुआ, क्या फैसिलिटीज तो कुछ भी नहीं गैस, मगर सुकून रहता। सुकून फैसिलिटी नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? व्हेन यू एंटर द हाउस इज सेरेमनी और व्हेन यू कम आउट यूनाइटेड सेरेमनी ओनली। नथिंग शॉर्ट ऑफ करप्शन, पैसा लेते हैं, वोट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, फॉरेन घूम रहे हैं। दैट्स व्हाट हम लोग जग मार रहे हैं यहाँ पे, उनको वोट देंगे। सरदार भाई अब इंतखाब होने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं कौन सा एमएलए, कौन सी पार्टी, कौन भी आई तो क्या करती हैं और क्या होना तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है, कम ही कम है, माइनस ज्यादा है। नहीं नहीं, तुम्हारे आसपास एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बाथरूम का जरा चमरा है, वो भरगी जरा रोड ब्लैक जरा तकलीफ, बाथरूम में कोई जाना चमरा भर जाती। अच्छा तुम्हारा एमएलए कौन मालूम है? मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ये बताइए, आज अब जो वोट 35 साल से वोट देते आ रहे हैं लोगों को, कभी भी कोई कॉर्पोरेटर या कोई मिनिस्टर से कभी मुलाकात हुआ है? भाई इतना ज्यादा नहीं, कभी कभी आप लोग के एरिया में कोई आता नहीं? आता है होता है, हमें लिंक नहीं रखता ज्यादा। तो वो लोग कब आते हैं, हमेशा आते हैं या अक्सर इलेक्शन वोट कलेक्शन के नाम पर चाहिए थोड़ा इधर उधर देख लेके चले आते हैं। व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन डेली लाइफ? If this electric problems, if water rain comes means water will stand in road is not good, some such kind of problems. अब इलेक्शन होने वाला है और इतने साल से आप भाई यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अब कौन भी जीत कर तो तुम्हें क्या उम्मीद रखो? हमें तो इंशाल्लाह कांग्रेस के ऊपर ही उम्मीद रखो, सो हम ना बीजेपी जनता दल के ऊपर क्या भी भरोसा नहीं है। अच्छा एक बात है, ये इतने साल से कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिला? फैसिलिटीज तो कुछ भी नहीं गैस, मगर सुकून रहता। सुकून फैसिलिटी नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? फैसिलिटी मतलब क्या भी लड़ाई झगड़ा नहीं, क्या भी नहीं, आराम से दिना गुजरती। यहाँ मेन प्रॉब्लम जो तुम्हें डेली जिंदगी में जैसा पानी का मसला, कचरे का मसला, वो क्या भी नहीं है तुम्हारा यहाँ? मतलब मेरे यहाँ में जरा कचरे का इसका उसका प्रॉब्लम आता, ऑफिशियल एरिया में तो क्या भी वैसा ज्यादा ये नहीं। ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ, ಏನೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ? ಇವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊನೆ ವಾಲ ಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ ಬಹುತ್ ಸಾಲೋ ಸೇ ಹೇ ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋ ಕೈಸಾ ಸಾಲ್ವ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆ? ಸಾರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಕಚರಾ ಬನಾಕರ್ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ, ಇಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಮಸಲಾ ಹಲ್ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೈ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇ ಜೋ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಹೇ ಆಜ್ ತಕ್ ತೋ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಬೋಲ್ಕರ್ ಸುನೇ ತೋ ನಹೀ ಹೈ, ಅಗರ್ ವೋ ಕಿಯಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ಕುಚ್ ಭಿ ದಿಖ್ನೆ ಮೇ ಭಿ ನಹೀ ಆಯಾ. तो अभी शायद कुछ चेंजेस होकर कोई अच्छा एमएलए आता है तो शायद होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उम्मीद रख सकते हैं. अगर आप शिवाजी नगर मेन सिटी में जाकर देखेंगे तो हालात वैसे ही है जैसे कि जब इंदिरा गांधी के हालात थे, उस जब से आज तक वही रोड, वही सिचुएशन, वही पानी की समस्या, सब वही है. वहाँ के लोगों को जाकर कोई पूछता नहीं है क्योंकि वो सच बोलते हैं, गाली देकर बात करने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ पर पूछने के लिए कोई भी आदमी नहीं जाता है. प्रॉब्लम यह है कि उधर पर कचरा उठाने के लिए कोई सुबह में आता नहीं है, और थोड़ा बहुत काम कर लिया तो सोचता है कि अपने आप को मैं बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया. तो रात दिन अगर जाओ तो वही स्मेल, वही नाले, वही पानी, अगर बारिश पड़ता है तो हर घर के अंदर पानी घुस जाता है, कुछ नहीं रहता है. तो काम क्या करते हैं, वोट जब होता है आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए एक नंबर वन पे आके खड़े होते हैं हाथ उठाकर. शिवाजी नगर में तो एक ज़माने से एक ही आदमी बैठा है, तो लोगों की सोच क्यों नहीं बदली 5 साल के बाद जब देखा कि कुछ भी नहीं हुआ? वजह यह कि लोगों की सोच बदलने नहीं दिया गया,
उन्होंने इस तरीके से कैप्चर किया हुआ है लोगों की जहनियत पे, इस तरीके से उन लोगों ने अपना अहदा जमा रखा है कि उनके अलावा किसी को नहीं देना है। कांग्रेस 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 ब्रांड लेबल हो गया, तो हम लोग कांग्रेस के ब्रांड लेबल को दे रहे हैं वोट, आदमी को नहीं देख रहा। आदमी को अगर देखना शुरू कर देंगे कोई वोट नहीं देगा। जो पांच सालों में लूटा वाला पैसा रहता है, जब वोट मांगते हैं तो उन्हीं का पैसा उनको लौटाया जाता है, वो भी 500 रुपये। तो वो 500,000 के चक्कर में सारे वोट देते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि फिर से 5 साल हमको पछताना है, वो हमारा ही पैसा लूटा वाला हमको मिल रहा है। यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? मैं शिवाजी नगर का चाहिए। क्या हुई, क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका कैसा उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या कहते हैं, इनिशिएटिव ले को करना सब चीज़ों को। लोकल इश्यूज हैं, कचरे का है, पानी का है, क्या भी रोड के पॉट होल्स हैं, मैन होल्स हैं, क्या भी हैं, वो चीज़ को ध्यान देते नहीं क्या भी चीज़ को। क्या खाली आगे इश्यूज़ एड्रेस करती हैं बस, लेकिन इश्यूज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्या भी चीज़ को रिजॉल्विंग के वास्ते इशू नहीं है, वो ज़रा प्रॉब्लम थी। आज भी वो थी प्रॉब्लम थी। कहाँ देखो बारिश आगा बोले तो स्टैग्नेंसी आ गई, पानी की ब्लॉकेज है, कहाँ देखे तो ब्लॉकेज। ये कितने साल से है? मैं ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स से देख रहा हूँ। तो क्या भी सुधार नहीं है? सुधार नहीं है, बोलती इनिशिएटिव लेती हैं घर को, इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है। वो प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं और फ्यूचर में भी ये लोग स्टैंड नहीं लिए और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ बोले तो परमानेंट हती से प्रॉब्लम्स है सबको। अब जो रोड साइड भी दुकान पड़ती हैं वहाँ, उसके हाथ से भी इशूज़ हैं, क्या तो भी उनको भी ये करके देना, पार्किंग इशूज़ हैं और वैसे बिजनेस हब वो पब्लिक फ्लो होती अच्छी, व्हीकल्स फ्लो होती अच्छे, पार्किंग का क्या तो भी अल्टरनेटिव करके देना, क्या तो भी अंडरग्राउंड क्या तो भी बिल्डिंग्स में या छोटा मैदानी छे वहाँ कहाँ तो भी पार्किंग लाट करके दिए बोले तो पार्किंग के साथ साथ है ना बिजनेस फ्लो भी होता है, आदमियाँ भी आती, बिजनेस भी बढ़ता है, ये भी रहता है, फ्लरिश भी होता है बिजनेस, सब चीज़ का रहता है। ये बेसिक जो ही ना ये स्टैग्नेंसी है, पानी का है, कचरे का है, इसका है, रसल मार्केट के पीछे जाकर देखो परमानेंट है वो, वहाँ उठाते नहीं कौन भी कचरा, वो BBMP वाले भी गौर नहीं करते, क्या भी नहीं करते, चारों तरफ एवरीवेयर कचरा कचरा कचरा, बर्डन होले को जा रहा, पहलवान होले को जा रहा। 10 साल से आपने बोला ये प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी आप वैसे ही आदमी को दे रहे हैं वोट जो आपका काम नहीं कर रहा है, फायदा क्या है? ये सोच के सुधार आएगा बोल के, तो कितना आप उसको 10-20 साल मौका देंगे? तो आप ये बार कुछ चेंजेस ले दें? नहीं, एक मिनट, आप कितना साल मौका देंगे किसी को काम करने के लिए? 5 साल या मैक्सिमम 10 साल। चलना तो 15 साल तो एक ही आदमी बैठा है, हुआ क्या? तो सोच आप लोगों को बदलना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आप अगर आप सोचेंगे ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मामू है, कब तक करेंगे चाचा मामू दादा नाना? नहीं करेंगे। तो बदलिए ये जो सोच बदल के आप रखे हैं कि हम एक को देंगे यही करेगा काम, वो नहीं करने वाला है काम। सर, व्हाट इज योर नेम? सर, माय नेम इज अनु कुमार। व्हाट डू यू डू? आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड आई वर्क फॉर अ कंपनी एज अ ट्रेनिंग मैनेजर। नाउ यू नो दैट कि इलेक्शन इज गोइंग टू कम बाय इलेक्शन, सो व्हाट डू यू थिंक कि वन MLA शुड डू फॉर द पीपल? सी, व्हाट आई फील इज a person, whoever is coming as a person for that particular locality, he has to understand the public pains and like you know challenges. Problem garbage ka hai, plus ye main jo hoon wo AKS ke paas hoon, aur traffic signal mein traffic is horrible, nobody follows the signals, wo ye karta hai bas. So we need a leader who can serve the people. अब ये क्या जो आते हैं लीडर्स इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, मुंह दिखा के जाते हैं, फिर कभी पलट के नहीं देखते। से दे शुड हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द पीपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड। अच्छा, अभी बाई इलेक्शन होने वाला है ना, तो पता ही होगा आपको। तो अब ये बताइए कि आप लोग के एरिया में जो भी पार्टी जीतता है उससे आप लोग चाहते हैं क्या क्या उनको करना चाहिए? हमारे एरिया में हर कुछ प्रॉब्लम है, हर जगह हर जगह प्रॉब्लम है, रोड का है, उसका है, कुछ है क्या। उसके बाद क्या हमारे वोटिंग आईडी के वास्ते आया, वोटिंग आईडी अभी तक नहीं कर को दे रहे पूरे, हमें 2 साल हुआ वो वोटिंग आईडी हमारे को अब तक ये नहीं हुआ 2 साल से। क्या रीजन है? आप फॉर्म फिलअप करके दिए? फिलअप करके दिए, वो क्या है वो तो एड्रेस प्रूफ हमारा दूसरे घर पर चेंज हो गए थे, लिखो देवे दिए, देखो 2 साल अब तक हमारे को वोटिंग आईडी दे रहे नहीं, अभी वहीं जाकर आ बैठे समय आता हुए वो डिलीट करे वो करे ये करे बोल रहे, अब तक हमारे को ये नहीं कर रहे। इलेक्शन क्या है, चुप कैश चल रहा है इलेक्शन है। उसके अलावा दूसरा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप?
प्रॉब्लम पेश किया हमारे बहुत कुछ यार, कुछ क्या बोले सरकार ने, क्या बोले सरकार ने, क्या भी बोलना नहीं चाहते, क्या भी बोले बोले तो कुछ से क्या थी, बोलना बोले तो भी डरना पड़ रहा, वैसा होगा वैसा होगा नहीं, क्यों डर रहे है, क्या थी किस पर नाम पर क्या थी बोलो कौन थी बात क्या थी बोलता आप, बाई इलेक्शन इज कमिंग, यू आर सीनियर सिटीजन, you know what are the problems you all are facing, we, when we see you know this we can't walk this so much speed this thing, senior citizens you know very difficult to come to the park from the distance, even side road is also you know all congested still, you know bottles this thing rubbish has been dumped there. So you have been staying from many years, have you seen any changes? I don't find any so much change. Changes for the worse. Tell me, man. Changes for the worse. So now that election is coming, you've got your say. What do you have to say? We can only hope and pray that things will change. That's all. See, you asked now what's the changes. Earlier the road was clear and neat. Now all the time digging here, walking on the, there is no, now they are making footpath such a small, who will walk on the footpath? And secondly, after some time go down, after some time go up. How? No, Jaimal is one of the most prosperous area and all top people live here, and in spite of that you are facing problem, means how do you go? Yes. What you know for evening is what? When you enter the house is aramane. For when you come out, you know, it is ceremony only. So generally, what do you feel like? What type of MLA do you need here? Who's going to come in the by-election? Good roads. That's all. Yes, good road and lighting and all, you know, should be proper. Even if it become dark at 6 o'clock, they will not start the light till 7 o'clock. No, and we definitely want CCTVs to be installed. Acha. That appeal has been going on for years, but nothing has been done. So you don't you feel that you know for safety you need CCTV, yeah, every day. Exactly, because afternoon and all you can't even walk. Somebody comes and snatches the chain. Phone snatching, chain snatching is going on, which never happened in this area earlier. So you think one of the main reasons law and order problem here, police? Partly yes. What are the problems? Problem is the roads. The roads are horrible and there are a lot of potholes where we cannot drive. And this very inconvenient, and secondly the metro is coming up, so they blocked all our roads from going, so we are having a lot of problem with the roads. What about the garbage? Garbage segregation, yeah, sometimes they are doing it well, but most of the time garbage have been thrown all over, and with that we are getting so much of flies, and now so many people are getting a lot of dengue. Maybe election aane wala hai, you have been a resident of Jaimal for a long time, what are the other problems you have faced? Breaks, and we have to do the full gag that dugging, whatever they have done, they should do it properly. Any garbage issues and other than that and all is okay. Allah so kafasa. Main problem? Main problem is lake and the digging, whatever they have done to clear the roads. Just get the roads done properly. It's very bad. And people who are a little older are having a real problem walking through those roads. And of course, yes, we've heard of chain snatching, but so far we've not had any problem as yet. That's why you're not wearing a chain? Yeah, that's why, yes. Because I heard and I'm very frightened. No, it is a fact. Yeah. It's a fact. They are taking away mobiles, yeah, especially in the morning walks. Morning walks. Yeah. We want prompt action for any problem that we have. That's why we are electing them. And in spite of our efforts of putting them on top and they don't give us returns, we are very unhappy. But we have a Sijma group here in Jaimahal who work for the cleaning and everything. They are really good and they're really doing a very good job. All the neighbors. Yeah, we have a big ladies group. Sijma group. They're working for the upliftment of Jaimahal and we are very happy with them. Now election is coming. What do you want your representative to do and what are your suggestions? One thing is what is there, see, once elections, before elections, na, they will come, our roads and homes and all, they will show hands everything. They have to visit regularly for every 1 month. I don't know who's the MLA is there, I don't know the corporator is there. That's the main problem. I born on Butterbase and now I am 35 years old. I don't know who is councillor. So you don't know who is the councillor and who is the MLA? I don't know the MLA. That's the problem. Nah? And they have to visit every 1 month or 2 months at least to our this area. That's the main thing. Then only we can, whatever problem we are facing, then only we can talk with them, solve with them, everything. That's the okay. Sala minister wo nahi kar pa rahe hain, MLA kuch nahi kar pa rahe hain, sab aate hain. Abhi wahan pe 1.5 lakh ka jo hai ek fountain tha. म्यूजिकल फाउंटेन, तो उन्होंने ये बना के दिया था, यहाँ पे समर के मंथ में बच्चे लोग आते थे, यहाँ पे पार्क में बैठते थे, फाउंटेन चलती थी जैसे दिल्ली में होता है या वहाँ पे होता है।
सारा वो जो मशीन खराब हो गया और यहाँ कॉर्पोरेटर सोचता है मैं नया खरीदूंगा बिकॉज कमीशन मिलेगा उसको, रिपेयर करने से पैसा नहीं मिलेगा। अब आप साढ़े छह बजे आ जाओ, ये दोनों लाइट जल नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, ये बल्ब फ्यूज हो गया, क्या करना है इसके लिए, अंदर नगरी चौक पर पूरे लाइट को चेंज कर देंगे, साला दो बल्ब चेंज करने के लिए नहीं होता है, सारी लाइट चेंज कर देंगे। और बोल बोल के थक गया, यहाँ तक कि आपके जो है ना एमपी फ्रॉम बैंगलोर सेंट्रल, क्या नाम उनका, वोट के लिए आए थे मांगने के लिए, भिखारी जैसा पीसी मोहन बोला कि ये टॉयलेट को साफ कर दो, टॉयलेट में जाओ वहां पे आधे दर्जन पत्थर मिलेंगे, और ये सज्जन जो है रोज जाके एक अटेंडेंस देते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अब उससे पूछो ए बड़े बोले टॉयलेट नीर दे दो, टॉयलेट नीर दे, जल्दी उच्च नीर दे, इनल नीर दे, सुन लो, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज गो टू टॉयलेट, टेक अ फोटोग्राफ एंड गिव इन द फ्रंट पेज। इधर इधर पूरे टॉप लोग रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, और सर भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। इसके अलावा इधर सिक्योरिटी का क्यों प्रॉब्लम है? एक संजय दत्त का एक पिक्चर आया था, पुलिस का जो ये था ना घर, नहीं पुलिस ऑफिस जो था ना उसके ऊपर जो है सब काम चलता था, तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे पुलिस लोग भी नॉर्ड है, शाम के टाइम पे पीछे यहाँ पे दारू पीते हैं। पुलिस को बोला भाई तो दारू का बोतल आया है, पुलिस ने क्या बोलते हैं अयो नवीन मड़बेको दा, ये वो भी इसमें भागीदार है, नवीन कुर्सा ले, ये हाल है सर। ये आप एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, मैं इधर 50 इयर्स आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस, बट द लोकल फेलोस डजंट नो हु आई एम, आई एंड दैट इज पिटी टाइप ऑफ द पुलिसिंग यू हैव लॉट ऑफ थेफ्ट। आप एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छे ऑफिसर थे आप, तो आप कोई सुलझा निकाले इसको? निकलने को सुनने वाला नहीं, सुधार होने भी नहीं, सुधारने वाला नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है, सुनने वाला भी नहीं। आप कल दोगे सुधारने? मैं क्या कर एक सब इंस्पेक्टर को इधर खड़ा करके पूछे कितने साल से है भाई, एक साल से हूँ मैं, मुझे देखा है मैं 6.5 years आई वॉज द पुलिस ऑफिसर यार, जैसी नगर जैसा है मालूम नहीं कर। सर अभी इधर अब इधर रोड का गार्बेज का कोई प्रॉब्लम है? इधर गार्बेज का है तो ढेर लगे हुए सब, ये बनाई दुर्गा बाड़ी उनका वो हुआ पूजा में सब कुबाड़ छोड़ गए, वही साफ नहीं किया। आप लोगों का वो ईंट का होता था तो क्लीन करके जाते थे। सर अभी बाय इलेक्शन होने वाला है, आपको कैसा लीडर चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी? हम इधर कोई पार्टी सपोर्ट करने नहीं है। कल किसी ने फोन किया था मुझे, नाम के लिए मिनिस्टर नहीं चाहिए, एमएलए नहीं चाहिए, सारा काम करो ग्राउंड में, हम वोट देंगे। सरफेस ऑफ द मून, मून पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जयमल से थोड़ा नीचे चले जाओ आरटी नगर की तरफ, मालूम पड़ जाएगा आपको क्या है सरफेस। जमीन में चांद नजर आते हैं, इसलिए चांद को जाने की जरूरत नहीं है आपको, साला मुझे ऊपर लेके चले जाएगा, मैं सारा ठोकूंगा किसी को ना, मैं ऊपर चले जाऊंगा सीधा। सर आप गार्बेज के बारे में बात कर रहे थे, गार्बेज क्या करते हैं? ये है नहीं पूजा वाला, देखे कितना गार्बेज का देखना है ना, आप यहाँ से चले जाइए आरटी नगर सिग्नल तक, द होल वॉल अराउंड द जयमल पैलेस आफ्टर फन वर्ल्ड हैज बिकम अ गार्बेज डंप, इट्स अ डंपिंग ग्राउंड, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मस्कीटो, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, इट्स ऑल पॉलिटिकल। सर हाउ सेफ आर सीनियर सिटीजन एंड द वुमेन हियर? वेरी अनसेफ, वेरी अनसेफ, यू कैन नॉट वॉक अलोन ऑन द रोड्स हियर, absolutely, and the senior citizens are the worst hit because they need help. आप लोग इतना problem बोले, ये बताइए कि इसको solution क्या है? आप थोड़ा आइए सर। solution एक ही है, नहीं नहीं, यहाँ का जो councillor है, जो यहाँ के MLA है, जो MP है, वो आगे कुछ करे, वो तो सिर्फ पैसा कमाने में सब लगे हुए हैं। जहाँ ये सर ये आज का नहीं है, बरसों से ये होता आ रहा है, तो बरसों से हो रहा है। कार्पोरेटर इंडिविजुअल इलेक्टेड बाई एनी पार्टी, आई हैव सीन नाउ यू आर सीइंग यू गो टू मल्लेश्वरम आर चंद्रालय आर चिकपेट आर अदर थिंग्स, द कार्पोरेटर्स आर डूइंग वंडरफुली वेल।
So automatically things up. It starts with so ये आप सोचते हैं कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पोरेटर सही हो तो वो काम कर सकता है यहाँ पे मिसाल के पॉइंट दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी दे शुड बी इम्प्रिजन्ड फॉर दिस लैप्स ऑफ ड्यूटी दे शुड बी सेंट टू जेल यहाँ पे चंद्रू बोल के हमारे काउंसिलर साहब है वो यहाँ पे रहे कुछ दो तीन साल उसने दो तीन प्रॉपर्टी बना के घर बना लिया उसका चमचा जो है उसका चमचा जो मोबाइल फोन रखेगा पैसा रखेगा फोन करने से सर बिजी जा रहा है वही आदमी एक पुलिस कमिश्नर को से फायरिंग किया क्योंकि वो कोई इंजन वाले जाके कहीं पे डंप कर देते वो पुलिस ऑफिसर आया वहां पे कर दिया ऐसे कमिश्नर काउंसिल जिसको हमने देखा नहीं शकल नहीं सूरत नहीं है वो क्या करेगा पर रिमोट कंट्रोल से आप जाके देखो कितने गड्ढे हैं कितना ड्रेन खराब है बोलने से कहां होगा घूमता देख लो कहां पे क्या है आप इधर आए हो कुछ करने के लिए दरअसल आप पूछने आए हो उसके लिए हम बता रहे हैं आप दोगे कुछ नहीं होगा पकड़ पकड़ के एक एक को जेल में डालो फॉर लैप्स ऑफ ड्यूटी इंस्पेक्शन क्या होती है नथिंग शॉर्ट ऑफ करप्शन पैसा लेते हैं वोट लेते हैं सब कुछ लेते हैं अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं फॉरेन घूम रहे हैं हम लोग जग मार रहे हैं यहाँ पे उनको वोट दे के वॉट इज द पॉइंट उनको जेल में डालना चाहिए फॉर लैप्स ऑफ ड्यूटी इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ करप्शन सर आपके बात को घुमा के बोलता हूँ इलेक्शन में पहले बोलते हैं आई विल डू दिस जीतने के बाद ठीक है